यहाँ पे कैलीग्राफी की जा रही है। यहाँ पर कैसे बनाता है देखो, यहाँ पर ये कैसे ये बनाते हैं यहाँ पर गाइस, कितनी बड़ी क्रूज लगी हुई है यहाँ पे। ये ना गाइस मेरे को ना यहाँ पे गिफ्ट मिला, इनक्रेडिबल इंडिया। सो हे गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी तारिक सर ने कॉल किया कि SKICC में ना इवेंट होने वाला है जहाँ पे बॉलीवुड सिंगर्स भी आने वाले। तो वो ना कंफर्म नहीं है कि सिंगर आने वाले वहाँ पे बॉलीवुड के कि नहीं, लेकिन बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है वहाँ पे। विस्तारा के क्या नाम है उस इवेंट का? तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। और अब ना मैंने सदर भाई को भी कॉल किया, भाई आ जाओ यहाँ पे इवेंट है, क्योंकि मैंने सोचा उसका भी कंटेंट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं होता हूँ अभी रेडी, क्योंकि ये देखिए पसीना पसीना हो रखा हूँ मैं। मैंने आपको बोला था ना घर पर कुछ काम चल रहा है, उस वजह से काम कर रहा था सुबह से। अब मैं होता हूँ रेडी, उसके बाद निकलते हैं इवेंट के लिए। आज के व्लॉग में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि भी जब भी कोई वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस बिना देरी के करते हैं आज का व्लॉग शुरू। गाइस मैं हो चुका हूं रेडी, आप जाते हैं डायरेक्ट इवेंट के लिए। ओके गाइस, मेरे को ना पहले यहां से शॉप पे जाना है, वहां पे सादत भाई आएंगे, उसके बाद मुझे माइसुमा जाना है, वहीं पे पहुंचेंगे तारिक सर, फिर साथ में ही जाएंगे SKICC। ओके आ गए जी गाइस अपने सादत भाई। सादत कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे और सब अच्छे से। हां सही है, चल अब लेट हो रहा है निकलते हैं। बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, वो तारिक सर वेट कर रहा है ना हमारा। आज हमको जाना है SKICC, संतूर होटल्स को बोलते हैं। हां तो अभी हमारा ना वो तारिक सर वेट कर रहे हैं माइसुमा के पास, उनको भी लेना है ना। हम चलो फिर निकलते हैं। ये देखिए गाइस तारिक सर यहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे होटल ताज के पास जो कि माइसुमा में है। सर सॉरी फॉर द लेट, कैसे हो सर? आप ठीक हो? अच्छे से। आज हमको कहाँ जाना है? SKICC ना। चलिए फिर जाते हैं, पहले लेट हुआ फिर वहीं पर बात करते। ओके हम हमेशा की तरह अभी गुफकर साइड ही आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से स्मार्ट स्ट्रीट वर्क चल रहा है, पास का काम चल रहा है यहाँ से, और वो देखिए सादत भाई आगे आगे जा रहे हैं। गाइस फाइनली पहुँचे हम डल लेक के पास। ये देखिए यहाँ से डल लेक, और वहाँ पे जाना है जो पानी के बीच में है ना, ये जो वहाँ पे बना हुआ है SKICC, वहीं पे जाना है हमको। चेक करें गाइस उस इवेंट के हर तरफ से बोर्ड्स लगे हुए हैं, देखिए विकास था। हाँ गाइस SKICC से 2 किलोमीटर दूर हमने यहाँ पे पार्किंग रखी, अब यहाँ से पैदल ही जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ना पार्किंग अलाउ नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल देखते क्या सीन रहेगा। फिलहाल हमने यहाँ पे पार्किंग की अपनी बाइक, अब यहाँ से पैदल ही चलते हैं। चलिए गाइस यहाँ से जाना है हमको। फाइनली हम एंटर हो चुके हैं SKICC संतूर होटल में। यहाँ पे मेरा दूसरी बार आना है, पहले मैं बचपन में आया था, तब से लेके अब आया हूँ मैं यहाँ पे। सर ना पहले आ चुके हैं होटल में। ठीक है, हमको कहाँ से जाना है अब? यहाँ से। अच्छा सब उधर की तरफ ही जा रहे हैं ना, है ना। देखते हैं क्या सीन रहेगा इवेंट से। सब मेरा मैं काम जाता हूँ, अब सर ने बोला इसलिए मैं यहाँ पे आया। देखते हैं क्या सीन रहेगा, साथ में आपसे भी शेयर करते हैं। देखिए यहाँ से जाना है अब हमको, वहाँ पर है ना, वहाँ पे देखिए वहाँ पे इवेंट है, वहीं पे जाना है हमको। सब लोग वहीं की तरफ जा रहे हैं। 3 दिन का इवेंट था, इससे पहले भी हर एक जगह था ये इवेंट, आज विटस्ता इवेंट ये 3 दिन का था यहाँ पर मेन इवेंट। ओके okay. यहाँ पर बाहर से आर्टिस्ट आए थे, दिल्ली से, जम्मू से, ओके okay. और बाकी स्टेट से भी लोग आए थे यहाँ पर, जो परसों से उन्होंने यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स किए और अपना कल्चर दिखाया जी। कश्मीर के आर्टिस्ट भी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। okay. अभी आप देखेंगे बहुत सारे सेगमेंट होने वाले हैं अलग अलग स्टेट से, जो अपना कल्चर उनका रहा है वो यहाँ पर आज दिखाएंगे जी। बॉलीवुड पॉप सिंगर भी शायद यहाँ पे आने वाले हैं ना? नहीं नहीं, परसों से वो इधर ही है, वो एक महिला है, वो पॉप सिंगर, उनका नाम मुझे याद नहीं है जी। तो वो परसों से यहाँ पर थी। okay. तो इंशाल्लाह उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। अच्छा अगर वो वहाँ पे हुए तो, है ना। जी जी जी। ओके okay, चले फिर जाते हैं। तो गाइस जो इवेंट है ना ये 3 दिन से चल रहा था, 23, 24, 25। ठीक है, लेकिन तब से हमको पता ही नहीं था। पता था मैंने बोर्ड ये सब देखा था, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि हमको यहाँ पे अलाउ करेंगे। अब सर आए साथ में, तो इसलिए देखिए यहाँ पे कितना बड़ा स्टेज लगाया गया है। ठीक है, यहीं पे इवेंट कहाँ से सर को अकेले छोड़े? सर के साथ एक्सपेक्टिंग किया था इतने सारे लोग होंगे यहाँ पे। इतने गाइस कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। ये गाइस स्टेज कितना बड़ा है भाई साहब। फिर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग होंगे यहाँ पे। देखिए कितने सारे लोग आए हुए यहाँ पे, भीड़ देखो गाइस। हमको ना पता ही नहीं होता हमारे शहर में ये इवेंट ये सब होते हैं, हमको पता भी नहीं होता। हाँ सर भाई पता ही नहीं होता ना। अब अगर सर नहीं बोल रहा किसी को पता ही नहीं, वही है ना। अब अगर सर नहीं बोल रहा ना हमको पता ही नहीं चलता। ये चक्कर है गाइस यहाँ पे भी लगाया गया है हैशटैग वितास्ता। ऐसे शायद एंट्री है होटल में, पता नहीं, देखते जाके, क्योंकि सर यहीं से गए ना, हम भी जाते हैं।
यहाँ से भी ये लगाया गया एग्जीबिशन जेरी एंट्री होटल में जाने की। हम यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि वहाँ पर अभी अलाउ नहीं है, वहाँ पे लेफ्ट हैंड गवर्नर साहब को आना है। सारे लोग आए थे यहाँ पे, ये देख सकते आप उनके फोटोज यहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए हैं। गाइस यहाँ से फोटो एग्जीबिशन ठीक है, ये देखिए सेंट्रल प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, पता नहीं सारा दिखा पाएंगे यहाँ पे कि नहीं। तो यहाँ पे उनके बारे में हिस्ट्री ये सब लिखी हुई है। बस ये देखिए बोर्ड ना गिरने वाला था ब्रो, ये ना ये पुराने जो मोनूमेंट्स ये सब है हिस्टोरिकल प्लेसेस उनका यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप तेरा वेरी नाग यहाँ पे। ठीक है, पहले ऐसा था फिर ऐसा बन गया, यही सब है। ये कौन सा है, ये भी वेरी नाग ही है। मतलब उनके बारे में ये जो पहले कैसे थे अब कैसे बन चुके, देखे वहाँ पे पहले कैसे थे अब कैसे बन चुके, तो वही सब यहाँ पे। ठीक है, तो जी गाइस अब हम जाते हैं और आगे की तरफ। वहाँ पे फूड स्टॉल्स ये सब लगाया गया, एग्जीबिशन है वहाँ पे, बहुत जगहों से वहाँ पे लोग आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गाइस जेना कश्मीर के मशहूर कलाकार, कश्मीरी कवाली है यहाँ पे गाने वाले आज। ठीक है, उस्ताद शफी सोपूरी। ये देखे गाइस यहाँ पे कैलीग्राफी कैंप लगाया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ना कुरान के आयत लिखे गए हैं, ये देखिए वहाँ से देखिए पेंटिंग। कितने मस्त मस्त पेंटिंग किए गए यहाँ पे। ठीक है गाइस यहाँ पे कैलीग्राफी की जा रही है। ठीक है यहाँ पे भी ये देखिए गाइस कश्मीरी समावार शॉल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, एग्जीबिशन लगा हुआ है। ये देखिए सोजनी शॉल्स ये सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर एक मशीन लगाई गई है यहाँ पर कानी शाल का, जिस तरह यहाँ पर जो कश्मीर का जो माना जाता है यहाँ पर वो कॉस्टली कानी शाल, तो यहाँ पर ये मशीन यहाँ पर उन्होंने लगाई है स्टॉल पे यहाँ पर SKICC में। यहाँ पर जो हमारे से भाई साहब हैं ये यहाँ पर ये बना रहे हैं यहाँ पर कानी शाल बनाता है। देखो यहाँ पर ये कैसे ये बनाते हैं यहाँ पर जी, देखिए गाइस कानी शाल कैसे बनाते हैं। नेशनल अवार्ड मिला है इनको जी जी, शॉल बनाने 2018 में। इसका क्या काम होता है जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसका क्या काम होता है? नीचे जो लगा होता है ना जी, इसी पर काम। अच्छा, अभी तो ऐसे फंस जाता है। अच्छा, ये फंस जाता है ऐसे जी जी, ऐसे लगाया जाता है, ये बनाया जाता है कानी शॉल। कश्मीर में जो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है जो यहाँ पर पेपरमाशी का काम किया जाता है यहाँ पर, यहाँ पर आप देखिए मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर चीज़ें बनवाए गए हैं। ये बहुत ही कॉस्टली होता है, ये यहाँ पर जब भी टूरिस्ट आते हैं एज अ गिफ्ट लेते हैं वो घर पर। या यहाँ पर आप देखिए जो पेपरमाशी के ये बॉक्सेस बनाए गए हैं यहाँ पर, देखो ये कंगन बनवाए गए हैं, देखो जी ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। ओके, और यहाँ पर कश्मीरी वो शिकार है देखो जी जी जी, वॉलनट वुड कार्विंग जी, जो कश्मीर में जो ये वुड कार्विंग का काम किया जाता है। देखो यहाँ पर ये बनाया गया है यहाँ पर वुड से। Okay. यहाँ पर अलग अलग किस्म के जो वॉलनट वुड होता है ना, वॉलनट वुड बहुत महंगा होता है। देखो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक ये चीज़ बना हुआ है, जैसे जिस तरह यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी एक खोखा पीता है, देखो बनवाया गया है ये। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो वॉलनट से बनाए गए हैं। मेरे हाथ में है एक शिकारा टाइप का ये बनाया गया है वॉलनट से, कितना हैवी बनाया गया है, ये बहुत ही कॉस्टली है। इसका जो कीमत कितना है, 1800 का ये इसकी कीमत है। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, मेहनत भी बहुत ही ज्यादा लगती है ना ये बनाने में जी 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 जी। और यहाँ पर जो टूरिस्ट वो शौक से इसको लेते हैं एज अ गिफ्ट। SKICC में यहाँ पर जो स्टार लगवाए गए हैं, मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ पर लोग आए थे। अगर हम फूड स्टॉल की बात करेंगे, तमिलनाडु से यहाँ पर हमारे कुछ भाईजान आए हैं जो यहाँ पर उन्हें स्टार लगाए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या क्या वो बनवाते हैं और वहाँ कर्नाटक का जो तमिलनाडु में जो कौन कौन सी डिश जो फेमस है ये बताइए। तमिलनाडु फेमस डोसा, इडली, बज्जी, वड़ा, गोंडा, इस मेनी मेनूस हियर, ये ट्रेडिशनल फूड है। इसका डोसा वाला ये चावल उड़दाल इज मेड ऑफ डोसा, इडली, वड़ा, बज्जी, बोंडा,
is menu of Tamil Nadu. It's very famous in dosa itli is very famous in Tamil Nadu. Okay. तो यहाँ पे भी सब कुछ मिल रहा है जो भी यहाँ पे जो फेमस फेमस फूड है तमिलनाडु का वो सब कुछ यहाँ पे भी मिल रहा है आपके पास. आप कुछ दिखाएंगे हमको यहाँ पे? यहाँ पर डोसा है, ये डोसा है यहाँ पर. डोसा ये बज्जी इडली वाला, इडली ओके, नारियल वाला चटनी, नारियल वाला चटनी ओके, मिर्ची चटनी. यहाँ पे ना मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो मतलब अलग अलग स्टेट से यहाँ पे फूड लगाए गए हैं. ये देखिए गाइस यहाँ पे मिल रहा है कश्मीरी कहवा, वो भी समावार में, ये देख सकते हैं आप. और ये है रोटी, कश्मीरी रोटी, मतलब इसको बहुत ही फेमस है कश्मीर में, क्योंकि बाहर से आता है ना एक बार पीता ही ये कहवा, ये सब. ये देखिए गाइस हर तरफ से यहाँ से फूड स्टॉल्स एग्जीबिशन ये सब लगाए गए और भीड़ चक्कर यहाँ पे कितनी ज़्यादा है. चक्कर गाइस यहाँ पे ना हाउस बोट ये सब भी है गाइस. ये हाउस बोट सबके लिए है कि खाली ये संतूर होटल में जो आते हैं उनके लिए, ये कंफर्म नहीं है. ये देखिए ये वो वाला ब्रिज है, फ्लोटिंग ब्रिज. कितनी बड़ी क्रूज लगी हुई है यहाँ पे. ये ना शायद जो यहाँ पे आते हैं ना होटल्स में उनके लिए, मेरे को कंफर्म नहीं है, यहाँ पे कोई है भी नहीं से मैं पूछता इसके बारे में. बाकी आप यहाँ से शिकारा ये सब चल रही है. जो संतूर होटल है ना SKICC बिल्कुल पानी के बीच में, आप देख सकते हो उधर से भी इसको पानी है, यहाँ से भी पानी है और बीच में है ये होटल. टूरिज्म से हूँ, मेरा नाम सक्षम तिवारी है, मैं नोडल ऑफिसर हूँ. ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से हमने एक छोटा सा गिफ्ट काउंटर लगाया है, जिसमें हम कोई भी अगर हमारे काउंटर से ऑर्डर कर रहा है या फिर नहीं भी कर रहा है तो बच्चों को हम जैसे पढ़ने के लिए पेंस दे रहे हैं, उनमें इनक्रेडिबल इंडिया लिखा हुआ है. ये फ्री मिलता है? ये फ्री में हम दे रहे हैं जी. और ये कुछ लगेज टैग्स हैं, जैसे कोई अगर फ्लाइट में ट्रेवल करता है तो वो अपना नाम वगैरह लिख सकता है. ओके. बेसिकली ये सब जो है ये टूरिज्म के प्रमोशन के लिए, ताकि हम अपने एरिया में टूरिज्म को प्रमोट कर सकें इसीलिए. अच्छा, जो भी यहाँ पे कुछ ऑर्डर करेगा उसको ये सब फ्री मिलेगा? ये सब नहीं, हम एक ऑर्डर पे कोई एक चीज फ्री दे, एक ऑर्डर पे एक चीज ही फ्री, जो भी उनके पसंद की. ओके, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया, ये नाम तो आपने सुना ही होगा इससे पहले भी. ये देखिए कितनी सारी चीजें मिली गाइस मेरे को ना यहाँ पे, गिफ्ट मिला इनक्रेडिबल इंडिया. अगर आप ट्रैवल ये सब करते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पे. चलिए सर, थैंक यू सो मच. विजिट इंडिया. यस, थैंक्स. गाइस अब हम जा रहे हैं जो यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है ना उसी की तरफ हम जा रहे हैं.